संयुग्मी फोकस, कॉन्जुगेट फोकस, ये हमारा अवतल दर्पण है और ये इसके सामने वाला भाग है, परावर्तक पृष्ठ इसका, जो पूर्णतः चमकीला है और उसके पीछे की तरफ पॉलिश की हुई है। अब इस अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ही हम संयुग्मी फोकस को समझेंगे या देखने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा हो गया MPN, एक अवतल गोलीय दर्पण हो गया, जिसमें P इसका ध्रुव है और PK इसकी मुख्य अक्ष। अब इस मुख्य अक्ष पर ही ऐसे बिंदुओं के जोड़े हमें प्राप्त होंगे, कहीं भी ऐसे बिंदुओं के जोड़े मिलेंगे जहां एक बिंदु पर अगर हम वस्तु को रख देंगे तो प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर मिलेगा, और अगर हमने दूसरे बिंदु पर वस्तु को रख दिया तो प्रतिबिंब पहले बिंदु पर मिलेगा। तो बिंदुओं के फिर ये जो जोड़े बनेंगे, ये और ये, इन जोड़ों को हम कहेंगे संयुग्मी फोकस। तो आइए हम संयुग्मी फोकस को अवतल दर्पण में देखने का प्रयास करते हैं। क्या है संयुग्मी फोकस? कि दर्पण की मुख्य अक्ष पर, ये दर्पण की मुख्य अक्ष पी के, इसमें बिंदुओं के ऐसे जोड़े पाए जाएंगे, जैसे मान लीजिए दो बिंदु हैं तो ये एक जोड़ा हो गया, ऐसे जोड़े पाए जाएंगे जहां पर एक पर वस्तु तो दूसरे पर प्रतिबिंब, और दूसरे पर वस्तु तो पहले पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये जो जोड़े होंगे, इन जोड़ों को हम कहेंगे संयुग्मी फोकस। तो ये पी हमारा ध्रुव है, एफ फोकस और सी इसका वक्रता केंद्र है, और ये पी के हमारी मुख्य अक्ष है। अब हमने एक वस्तु ले ली है और हम जानते हैं, यहाँ पर हम नियमों को भी देख लेंगे थोड़ा सा, कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब रचना के नियम जो हैं, जिन्हें हम पहले से जानते हैं, उन्हें एक बार हम रिवाइज भी कर लेंगे। तो वस्तु से चलने वाली एक प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर गुजर जाती है, इस तरह से। तो इस प्रकार ये वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर गई। ये अवतल दर्पण में प्रतिबिंब रचना का हमारा नियम भी है, और ये हमने यहाँ वस्तु रखी हुई है, ये एक पॉइंट है, एक बिंदु है जिस बिंदु पर हमने वस्तु को रखा हुआ है। क्या किया हमने? एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की और दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसे फोकस से निकाल दिया। अब ये जो वस्तु है हमारी, इस वस्तु को हमने नाम दिया है ए बी, और इसकी ये जो टिप है, इस पर से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर गई। अब एक और प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र की दिशा से उस वस्तु से आई है, तो हम जानते हैं प्रतिबिंब रचना के नियमों में कि वक्रता केंद्र की दिशा से अगर प्रकाश की किरण आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाती है। तो इस तरह से ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा से ही वापस लौट गई। तो इस तरह से यहाँ कहीं ये प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ है, और हम देखें तो ये हमारा जो प्रतिबिंब है ये हमें मिल गया है RS। तो इस तरह से B पर ये वस्तु पड़ी थी AB और S पर ये प्रतिबिंब बना RS। तो B पर वस्तु और S पर प्रतिबिंब। तो क्या ये बिंदु संयुग्मी फोकस है? हम इसे टेस्ट करना चाहेंगे। अभी तो हमने समझ लिया कि B पर वस्तु है AB और एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष समांतर दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर गई, एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा से आई, दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर लौट गई, ये नियम हम जानते हैं, और दोनों परावर्तित किरणें आर पर मिली, तो इस तरह से हमारा RS जो है वो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, उल्टा, वास्तविक और छोटा।
तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है हमारा, और संयुग्मी फोकस का कॉन्सेप्ट है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए अवतल दर्पण में हम समझ सकते हैं। तो ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है आर एस, जो परावर्तित किरणों के मिलने से बना है आर एस। तो ये बी पर हमने वस्तु रखी ए बी, और एस पर हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ आर एस। अब हमें देखना है ये बी और एस संयुग्मी फोकस है क्या, इसे हम चेक करना चाह रहे हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि हमें एस के ऊपर वस्तु रखना चाहिए, ये प्रतिबिंब के बिंदु पर अब वस्तु रखना चाहिए, और फिर ये देखना चाहिए कि क्या ये प्रतिबिंब इस वस्तु के प्लेस पर बन रहा है क्या। आइए चेक करते हैं इसको। तो देखिए, हमने ये एस पर एक इस तरह से एक वस्तु रख दी है, जहां हमारा प्रतिबिंब बना था वहीं हमने अब वस्तु रख दी। अब क्या होगा, ये वस्तु हमने रख दी, डीएस हमारी वस्तु हो गई। अब देखिए, ये वही हमारे जो प्रतिबिंब रचना के नियम है, हमें उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, अब दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरना है उसे, बिल्कुल सही, फोकस से होकर गुजरेगी। तो देखिए, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर गुजर गई। अब यहीं से एक प्रकाश की किरण हम फोकस से डाल देंगे तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए, तो हमने तीन नियम है हमारे, कुल तीनों नियम इसमें शामिल हो जाएंगे। देखिए, ये दूसरी प्रकाश की किरण है जो ये यहाँ फोकस से आ रही है, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात देखिएगा आप, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। और इस तरह से देखिए, हमने फिर से समझेंगे इसको क्या हुआ है। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरी, और एक प्रकाश की किरण फोकस से आई, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। और इस तरह से हमने देखा कि ये हमारा जो प्रतिबिंब है, ये हमें ई बी प्राप्त हो गया डीएस का। और आप देख लीजिए, अब बड़ी मज़ेदार बात यह हुई है कि पहले बी पर ए बी वस्तु थी और एस पर आर एस प्रतिबिंब बना था, अब एस पर डी एस वस्तु है और बी पर ई बी प्रतिबिंब बना है। मतलब ये हुआ कि पहले बी पर वस्तु थी तो एस पर प्रतिबिंब बना था, अब एस पर वस्तु है तो बी पर प्रतिबिंब बना है। ये प्रतिबिंब भी उल्टा और वास्तविक है। तो ये बी और एस जो हैं, ये हमारे हो गए संयुग्मी फोकस, बी और एस हमारे संयुग्मी फोकस हो गए। देखिए, समझिए, पहली बार में क्या हुआ था, ए बी हमारी वस्तु थी, ये ए बी वस्तु थी और हमारा प्रतिबिंब बना था ये आर एस, ये प्रतिबिंब था आर एस। दूसरी बार में हमारी डी एस वस्तु हो गई, ये डी एस वस्तु हो गई और हमारा प्रतिबिंब बना ई बी। तो हमने देखा कि ये बी और एस हमारे संयुग्मी फोकस है, मतलब अगर यहाँ वस्तु रखेंगे तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, मतलब B पर वस्तु अगर आपने रखी तो S पर प्रतिबिंब बनेगा, और अगर आपने S पर वस्तु रखी तो ये B पर प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। तो ये है हमारे संयुग्मी फोकस का कॉन्सेप्ट। बच्चों, आपको अच्छे से ये संयुग्मी फोकस समझ में आ गया होगा कि संयुग्मी फोकस क्या है। अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष, ये जो हमारे मुख्य अक्ष है, देख लीजिए पी के, इस पर बिंदुओं का एक, बिंदुओं के ऐसे जोड़े एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये यहाँ देखिए बिंदुओं का एक जोड़ा है, बी और एस, ये दो बिंदु हैं, इनका एक जोड़ा, जहाँ पर एक बिंदु पर अगर हमने वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब हमारा दूसरे बिंदु पर बनेगा, और अगर हमने दूसरे बिंदु पर वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब हमारा पहले बिंदु पर बनेगा। तो बिंदुओं का ये जोड़ा हमारा कहलाएगा संयुग्मी फोकस। Thank you.